2024 के चुनाव की चुनावी रणभेरी बज चुकी है और राजनीतिक पार्टियां अपने योद्धाओं को युद्ध के मैदान में उतार भी चुकी हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोचती है, जनता आखिर में किसको वोट देगी, जनता 2024 में किसके सर सरताज पहनाएगी, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय हम लोग क्योंकि चांदनी चौक में हैं और चांदनी चौक में मार्केट पे यदि हम आते हैं तो लाजपत राय मार्केट में हम लोग पहुँचे हुए हैं और व्यापारियों से बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मैं जैसे ही आया तो मैं देखा कि काफ़ी सारे व्यापारी और बड़ा इच्छुक भी हैं ये लोग बात करने के लिए भी, क्योंकि 24 का चुनाव नज़दीक है और जब चुनावी रणभेरी बज जाती है योद्धा भी युद्ध मैदान में आ जाते हैं, जनता के पास रहता है कि जनता आखिर में मैंडेट क्या दे रही है। और ऊपर में व्यापारियों के बारे में तो देखा जाए, क्या है माहौल, क्या है इस बार? देखिए, लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने खड़े हो आप, ये हमारी प्रथम मार्केट है, जैसे हम पुरानी लाइब्रेरी मार्केट कहते हैं, जिसे चांदनी चौक की प्रथम मार्केट कह सकते हैं। और इस वक्त दिल्ली के अंदर तो पूरी तरह से इलेक्शन में, हमारी दिल्ली इलेक्शन में हो चुकी है और हमारे यहाँ कहाँ जिस लोकसभा में आप खड़े हैं, और सबसे बड़ी हमारे लिए तो उत्सव इसलिए बन गया क्योंकि हमारे ही बीच के व्यापारी नेता को बीजेपी ने टिकट दे दी। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ ऐसे ही वो हमारे साथ ही, हमारे बीच के ही, 38 साल से 40 साल से हम लोग इकट्ठे ही रहे हैं। लेकिन कोई मुद्दा वगैरह नहीं होगा व्यापारी? नहीं, देखिए व्यापारी वर्ग हमेशा नॉन कंट्रोवर्शियल होता है, उसको किसी राजनीति पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। वो क्या चाहता है, मेरा व्यापार सुरक्षित रहे और मेरे परिवार के अंदर हर तरीके से सुख सुविधाएं हों और हम जो मेहनत कर रहे हैं वो एक सुरक्षा के दायरे में और अच्छी तरीके से एक अच्छे वातावरण के अंदर हम व्यापार कर सकें। थोड़ा सा लग रहा है कि इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं आप इनकी बातों से आप, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, भगवान के उन पर आशीर्वाद है, इसमें तो कोई सच्चाई है जो हम लोग समझते हैं। मोदी जी के लिए पूरा देश बड़ा उनसे खुश है क्योंकि राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा। लेकिन एक बात मेरी उनकी समझ नहीं आती मेरे को, मोदी जी जब चिल्ला चिल्ला के भ्रष्टाचार का जिन लोगों पे आरोप लगाया था, अजीत पवार सिंचाई घोटाला, हेमंत बिस्वा शारदा चिटफंड घोटाला, मुझे समझ नहीं आता कि मोदी जी को आंखें कैसे बंद हो गई। अगर वो भरे मंच से, भरे जनसभाओं में जिन लोगों पर उंगली अंकित करते थे, आज उन्हीं को अपनी पार्टी में ले लेते हैं और उनका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। प्रभू पटेल के लिए CBI क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है, ये हो क्या रहा है? क्या आंखें बिल्कुल, जनता सब जानती है। एक व्यापारी अपने ही साथ का, उस व्यापारी को उतारा गया है तो इसलिए मैं जाऊंगा मैं जाकर। मुझे एक बात बताइए, हर्षवर्धन जी में क्या कमी थी? हर्षवर्धन जी में तो कोई कमी नहीं थी, बहुत समझदार, कोरोना के टाइम पे पूरे देश के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से काम संभाला। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कि उनको दंडित किया गया या पारितोषिक मिला, उनको हटा दिया गया, किस लिए हटाया गया? चांदनी चौक की जनता ने तो 2 बार उन्हें चुन लिया था और इस बार भी टिकट मिलता तो शायद चांदनी चौक की जनता उन्हें चुनती, लेकिन इस बार चांदनी चौक की जनता ने अपने दिल को संभाल के रखा। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ, लोकल वोटर हूँ, सामान खरीदने आया था, आपने पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूँ। इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये कहते हैं कि व्यापारी, ये कहते हैं कि कोई नहीं, हर्षवर्धन जी कौन सा बुरा काम किए थे जो पूर्व सांसद, यहाँ जो सांसद अभी मौजूद हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि जरूरी है कि आखिर में मुद्दा क्या है, जनता अभी क्या। इन्होंने कहा कि हर्षवर्धन जी में क्या बुराई थी, बात बुराई की नहीं है, जो व्यक्ति अब कोई एज फैक्टर तो है ही है ना, ये थोड़ी कि वो 70-80-90 साल तक इलेक्शन लड़ता ही रहेगा। उन्होंने स्वास्थ्य कारण पीछे हटे थे तो उसके कारण दूसरे व्यक्ति को दिया गया, मतलब कि जो सीट ऑफर की गई, मौका दिया गया और बहुत अच्छे व्यक्ति को मौका दिया है, जो कि हमारा भाई है, जो हमारी मार्केट हमारी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। बाकी रही विकास, तो विकास तो हमें हर तरह नज़र आता है, चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो या डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म हो, हर जगह हमें विकास नज़र आता है मोदी जी के द्वारा किया हुआ। हम अगर कंपेयर करें पुरानी पार्टियों के साथ तो हमें बहुत अंतर नज़र आता है। आपके क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दे भी तो होते हैं ना, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आदमी सोचता है, हर एक चीज़ के बारे में सोचता है। आपके यदि क्योंकि हम मार्केट की ही बात करें तो मार्केट में क्या कुछ हुआ है, काम हुआ है पहले? मार्केट में जो मुद्दे हैं ना, मेरे ख्याल से वो संसद लेवल के मुद्दे नहीं हैं, मार्केट में जो मुद्दे वो MLA लेवल, काउंसलर लेवल के मुद्दे हैं। हम संसद से, ये संसदीय से जो व्यक्ति आएगा उससे उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, हमारे जो दूसरे मुद्दे हैं, GST के मुद्दे हो गए या हमारे जो पॉलिसीज के मुद्दे हैं, उसके लिए हमारे खंडेलवाल जी आ ही रहे हैं हमारे पास, वो हमें पता है कि उन्हें जीतने जीतने व्यापारी हैं, इसलिए व्यापारी तो व्यापार देखो, हम जो छोटी छोटी सड़कें बनाने के मुद्दे हैं क्या व्यापारी नहीं, वो जैसे हमारे भाई ने बोला
किया कहते हैं भाई ऐसे ऐसे करके ये जो है ना उनको ले लिया दो तीन बंदों को, लेकिन अब ना सबके सब ये बताते हैं कि भाई मोदी ने ये गलत किया। हमें ये कोई नहीं बताता कि अगर मोदी नहीं है तो उसकी जगह है कौन। ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो मोदी की जगह ले सके। विपक्ष लैक ऑफ लीडरशिप जो एनडीए गठबंधन में आखिर इंडिया में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो मोदी की जगह ले सके। आपको कोई बता दे भाई मोदी की जगह ये आ जाए तो सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, ऐसा तो और कोई भी नहीं है। मोदी ने इतना बेटर कर दिया है कि हर चीज़ आप इंटरनेशनल लेवल पे छोड़ो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ही कौन उसके सामने मोदी के अलावा और है ही कौन। अच्छा कार्य हुआ है क्या पहले जो 100% सांसद रहे 100% कार्य हुआ है, कौन से फील्ड में नहीं हुआ? इंटरनेशनल लेवल पे देख लो, आज जो जयशंकर कर सकता है कोई और कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा आप कुछ कहने चाह रहे हैं? सर टाइम सबका आता है, समस्या कब नहीं है, कोई भी पार्टी ऐसा समस्या रहेंगी। लेकिन अगर अब हम मार्केट में खड़े हैं और एक हमारा व्यापारी भाई खड़ा हुआ है तो सपोर्ट तो उसी को करेंगे, समस्याएं सारी मार्केट की वसूल जाएंगे हमारी। और रही बात देश की, तो सन 2014 के बाद से आज 2024 आ चुका है, आपको लगता है ना कितनी चेंजेस आ चुके हैं हिंदुस्तान में? आप एकदम अकेले आकर के खड़े हुए क्या? ये बताइए मुद्दा क्या है, क्या रहेगा इस बार, माहौल क्या रहेगा इस बार? माहौल किस चीज का माहौल? 24 का चुनाव आ गया है, अब इससे ज्यादा क्या माहौल हो सकता है? उसका माहौल हम नहीं बताएंगे ना, पब्लिक बताएगी। तो आप पब्लिक नहीं है? नहीं पब्लिक में मैं सिर्फ सिंगल हूँ, पब्लिक में पूरी आम जनता पब्लिक क्या कह रही है, व्यापारी पब्लिक क्या कह रही है? इन लोग का अलग अलग सबका मत होता है, आपका अपना मत बताइए। ये तो गुप्त वाला मत है। तो अच्छा गुप्त वाला मत है। नहीं तो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? किसका काम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। कैसा काम हुआ बताओ, आप ये बताओ क्या काम, आप क्या काम चाहते हो? मैं आपसे पूछूंगा, आप ये बताओ ये कर रहे हैं, ये बताओ इनकी तरक्की कहाँ हुई? मोदी जी कहते हैं मैंने हर घर गरीब को पैसा बांटा, गरीब को खाना दे रहे हैं फ्री, मिला? पूछ के देखो आप यहाँ के जैसे, आज भी वो रोड पे वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। व्यक्तिगत यदि देखा जाए? व्यक्तिगत तो देखा जाए देखो जी कोई विकास तो हुआ नहीं वैसे, बस सब अपनी जेब भरने पे लगे हुए हैं। जितने भी सारी पार्टी, कांग्रेस ले लो, केजरीवाल वाली ले लो, एनीथिंग कोई सी भी ले लो, सारे भ्रष्ट है। एक बीजेपी के अंदर एक ऐसे आदमी है जो बिल्कुल साफ एंड सुथरे बैठे हुए। हम तो ये जाते हैं जो भी चेयर पे बैठे वो कम से कम आम जनता के बारे में तो सोचे। आपसे क्या करते क्या? सर बिजनेस करते हैं लाजपत मार्केट के अंदर। हुआ है कुछ कार्य वगैरह? हुआ है सर, कार्य हुआ है सर। मूड बताइए सर, मूड ऐसा है देखो, आज अगर कोई चीज कार्य हो रहा है उसको आप रोकने की कोशिश मत करिए बिल्कुल भी, उसको आप एनकरेज करिए और उनको बताइए कि सर जो आप कर रहे हैं गलती होती है, सबसे होती है, इंसान है पहली बात। चुनावी मैदान में इस तरीके का युद्ध देखूंगा मैं आप लोगों के बीच का। सर गलतियां सबसे होती है, लेकिन अगर कोई आदमी काम करता है अगर 19-20 गलतियां रह जाती है तो सर वो तो भगवान हर एक को माफ कर देता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर जो काम कर रहा है उसकी टांग नहीं खींची जाए, उसको इनकरेज किया जाए और प्रगति पे काम लेके जाए, मेरे यही विचार है। बिल्कुल हुआ है, कार्य हुआ है सर, कार्य हुआ है, बिल्कुल कार्य हुआ है, आपका कार्य हुआ है सर, तभी तो हम आपको इतने अच्छे नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, कार्य हुआ है तभी तो। कार्य नहीं हुआ होता तो सर आज ना हम यहाँ खड़े होते, हम भी रो रहे होते, कर रहे होते, कार्य हुआ है ना, आप यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आते। अच्छा, एक बड़ा युवा है, इनसे पहले बात करना जरूरी है। क्या नाम क्या है पहले? तरुण भाटिया। तरुण जी, जी जी, यही वोटर हैं जी? मैं यहाँ, मेरी दुकान है यहाँ पे और मैं व्यापारी हूँ। मैं भी व्यापारी हैं जी 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 जी। युवा क्या सोचता है युवा के बारे? देखिए सर, मैं आपको मैं मोदी जी के बारे में बोलूंगा कि इंटरनेशनल में बहुत काम हुआ है, हर चीज बढ़िया चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रही है, लेकिन उनको छोटे लेवल में जो उनके नीचे के जो अधिकारी है वो वहां तक नहीं दे पा रहे। आप किसी को भी उठा के नोटिस भेज दो, आप किसी को भी, आपके यहाँ पे सड़कें नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, वो इंटरनेशनल में तो कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे देश का नाम कहाँ से आता है? हम कहीं भी चले जाओ, अरे मोदी जी, आप कहीं भी चले जाओ इंटरनेशनल में, कहीं भी चले जाओ, आपका क्या नाम आएगा? मोदी जी, इंडिया सबसे आगे हर चीज में आगे। लेकिन जो नीचे के लेवल के अधिकारी हैं ना वो उनको नहीं देख पा रहे, उनको भी देखना चाहिए कि आप किसी को भी उठा के आप अनकन वो इलीगल का आप भेज दो, कोई भी चीज़ भेज दो, जीएसटी का नोटिस भेज दीजिए, तो वो चीज़ को उनका ध्यान देना चाहिए। बाकी कार्य मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बस अब फर्क ये है कि 400 अंदर आएगी, 400 पार आएगी। आप वोट देने के लिए जाते हैं तो स्थानीय को देखते हैं या आप? हम लोकसभा का देख रहे हैं तो आंख बंद करके मोदी जी को बटन दबाएंगे। हमको भगत कह लो, हमको जो मर्जी कह लो, अब फर्क बस ये आना है कि 400 पार होनी है कि 400 किधर आनी है, आनी तो मोदी है। अगर आज मोदी जी कांग्रेस पार्टी में चले जाए तो वो भी खड़ी हो जाएगी, ये गारंटी है। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई लोग हैं यहाँ पर जो
विपक्ष के लोग हैं वो सोचते हैं कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, खैर ये उनकी अपनी सोच है, परंतु तो हर एक आदमी का हर आदमी का अपना टेस्ट होता है, अपना सोच होता है, किसको किससे फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें होती हैं। अन्यथा आप देखिए तो आज की डेट में जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है और विगत पीछे 50-60 साल जो कांग्रेस का राज रहा है और उस समय जो उपलब्धियां जो मोदी जी ने दी है, मेरे ख्याल से उसको नकारा नहीं जा सकता। और हम अगर वोट देंगे सेंट्रल के हिसाब से वोट देंगे तो मोदी जी को ही देंगे। आप यदि मैं ये चीज़ जरूर जानना चाहूँगा कि आप जाएंगे वोट देने के लिए तो आपके जहन में क्या रहेगा, क्यों आप जाकर के वोट देंगे, क्यों देंगे? मतलब है कि आज अगर हमारा उन्होंने कहा कि भाई व्यापारी मेरे उससे निकला, व्यापारी के अलावा हम एक नागरिक भी तो हैं, एक नागरिक के जो फर्ज है कि आज हमारे देश को जो सुचारू रूप से चला रहा है, हो सकता है उसके अंदर कुछ कमियां होंगी क्योंकि कोई भी इंसान तो 100% होता नहीं है, कुछ ना कुछ दल आएंगे, कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कलंकित भी होंगे, मगर उनको नहीं लेने से क्या होता है कि वो फिर पार्टी के अंदर में वो मजबूती नहीं आती है, तो इसलिए उन्होंने जो कुछ लोगों को लिया है तो उनको ऊपर उन्होंने पूरा निरंकुश लगा रखा है कि जिससे कि वो जो है किसी प्रकार का कोई गलत कार्य या कोई गलत प्रवृत्ति ना करे। मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, जो अभी जैसे वो कह गए हैं ना कि कुछ नहीं किया है, कैसे नहीं किया है सर जी, हमको गल्ला राशन पानी मिल रहा है, हमारे घर पे मिल रहा है, हमारी बच्चे लेने जाते हैं राशन पानी मिलता है, किसान सम्मान निधि मिल रही 6,000 रुपये मिल रहा है साल में, मुख्यमंत्री द्वारा मिल रही है और जाके प्रधानमंत्री द्वारा भी मिल रहे हैं। अच्छा जी सर, आप खुश हैं? आप बिल्कुल खुश हैं मोदी जी? क्या रहेगा कि बस क्यों लिए मिल रहा है आपको सामान, इसलिए आप? नहीं 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 सर जी, मुद्दा सिर्फ एक ही है, सिर्फ वो फेल इसमें है कि बेरोजगारी और मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा है, सिर्फ बेरोजगारी में मोदी जी फेल है और सभी जगह पास है, सब जगह पास है जी सर। क्या आप यही रहते हैं? आप? मैं यहाँ सामान लेने आता हूँ, मेरा हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। तो क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट देने? देखिए आपको सबसे अच्छी बात बताएं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये पहला प्रधानमंत्री हैं जहाँ पे मुस्लिमों की इतना ज़्यादा शिक्षा मिल रही है, आज के डेट पर हिंदू मुस्लिम सब लोग बराबर होकर काम कर रहे हैं, ये ऐसा आज तक नहीं हुआ, ये किसी पार्टी ने आकर दूसरे कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया या उन्हें पढ़ाने का प्रयास किया या उनको बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया, सबने पार्टी ने शोषण किया है, एक मोदी जी हैं कि आज देख रहे हैं कि आज क्या है, तो रोजा चल रहा है और आज क्या चल रहा है, अब तो माता जी का वो भी चल रहा है, क्या चल रहा है, माता जी का व्रत चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, उन्होंने एक साथ सबको इकट्ठा कर दिया, एक फील्ड में सबको कर दिया, गरीब हो अमीर हो सबको बराबर का हक दिया, ये है बीजेपी। क्योंकि एक बड़ा क्योंकि वाइड स्कोपिक सब कोई बात कर रहा है, एकदम मतलब नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे भी आप का मैंने देखा, मैंने कुछ चांदनी चौक वगैरह का भी मुद्दा कुछ है कि नहीं है? चांदनी चौक का सर मुद्दा यही है कि अब बीजेपी 2 साल से तो थी, अब भी आएंगे नए, उन्होंने इसलिए नेता चेंज किया होगा, हर्षवर्धन जी ने भी काम किया होगा, तो 14 से मतलब हर्षवर्धन जी से तो 1-2 साल से ही थे ना, सांसद तो 5 साल के लिए होता है सर, एक बात मतलब 2 बार आ चुके हैं ना, आपसे बात करूंगा पहले सर से बात करूं मैं, एक बड़ा क्यों पीछे क्यों चले जा रहे हैं आप? प्रवीण बत्रा हूं जी, प्रवीण बत्रा हूं, यहां पर हमारी दुकान है जी, बिजनेस में है, बस व्यापारी को तो बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा व्यापारी को बोलना पड़ेगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय मोदी जी तैयार कर रहे हैं हमारे आने वाली जनरेशनों के लिए बहुत अच्छा है, बेशकली हम परेशान हो रहे हैं GST से परेशान हो रहे हैं या और कुछ मुद्दों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये इतना साफ सुथरा आने वाला टाइम जो हमारा मोदी जी तैयार कर रहे हैं उसमें हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत फायदा होने वाला है। और आप देखिए काम, लोग कह रहे हैं कि काम नहीं किया, आप समझो सड़कों की तरफ उनका ध्यान है, खिलाड़ियों की तरफ उनका ध्यान है, पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान है, एजुकेशन में हर तरफ से मोदी जी का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिस तरफ मोदी जी का ध्यान नहीं है हमारे देश के लिए, और ये जो चुनाव है लोकसभा के ये हमारे देश के लिए ही हो रहे हैं, तो देश अगर हमारा आगे बढ़ता है तो हम सब नेचुरली आगे बढ़ेंगे, देश के लिए हो रहा है और उसी को देख करके वोट देने जा रहे हैं। मैं दीपक जैन, मोदी जी के काम की तारीफ तो सभी करते हैं और है भी, लेकिन एक बीच में जो 2-3 साल का जो कार्यकाल जो कोरोना का जो देश ने भुगता, वो मोदी जी जैसे नेता ही थे जिन्होंने इसको कंट्रोल करा और पूरी तरह से अपने देश को उससे निकाला। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि अगर वो 3 साल खराब ना हुए होते तो आज बहुत ज़्यादा काम हुआ है, शायद और भी कई गुना ज़्यादा काम होता,
बस यही बताना चाहूँगा सरकार के विषय में। मैं जरा इसमें कुछ व्यापारियों से, आपके कहाँ दुकान इधर में है, आइए आपसे जरा बात करें इस दुकान की तरफ ही चल करके, क्योंकि इस मार्केट में जब हम लोग आए हैं तो मार्केट के बारे में भी तो देखना चाहिए ना। बिल्कुल जी। हा? और ये लाजपत राय मार्केट है, ये क्या नाम है आपका? अमित चौधरी। अमित चौधरी जी, हाँ जी। युवा हैं आप? बिल्कुल जी। हा? तो क्या है चांदनी चौक का मूड, क्या है मूड, मूड बताइएगा केवल मुझे कि मूड क्या है इस बार? तो मोदी जी की जय है जी, मतलब मोदी जी की। लेकिन कुछ है मुद्दे वगैरह हैं कि बस मोदी जी को देख करके जाकर के वोट दे? देखिए सेंटर में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और मोदी जी से अच्छा कोई विकल्प है ही नहीं हिंदुस्तान में। मोदी जी ही एक लौते विकल्प है हमारे लिए, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो स्ट्रांग है ही नहीं। अच्छा अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, अपोजिशन डेट भी नहीं है उनके पास, ना मुद्दे हैं असल में, कैंडिडेट भी नहीं है, कैंडिडेट भी उनके वीक हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है मोदी जी जितनी स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक में हो मार्केट में हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में हो, वो स्ट्रांग है ही नहीं। उनको सारे बिखरे हुए हैं, बस सब इकट्ठे हो रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए, बाकी हमें मुझे नहीं। एक मिनट, आप आ रहे हैं उधर से मार्केट दुकान से ही आ रहे हैं? हाँ जी, दुकान की तरफ से। क्या नाम है आपका? अतुल। अतुल जी, अच्छा अतुल जी आइए, थोड़ा सा लोगों को आने में दिक्कत हो रही है तो इधर में हम लोग बात कर लेते हैं हल्का। क्या है इस बार चांदनी चौक में भी कैंडिडेट तो आप लोगों को मिल ही गया है? हाँ जी, एक कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से, दूसरा नहीं आया अभी, दूसरा आएगा। हाँ जी, दूसरा नहीं आएगा तो कैसे कह सकते, मजा नहीं आएगा फिर, पता नहीं चलेगा कि आखिर में युद्ध किसके साथ में हो रहा है। हाँ जी, मतलब किसको देना है वोट ये समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल युद्ध मैदान में दोनों होना चाहिए ना, आमने सामने। वन साइडेड लग रहा है। वन साइड, अच्छा ये वन साइडेड लगने लगा अभी भाई। अगर नहीं आएगा जब तक इतनी देर होती जा रही है, उनको भी अपोजिशन को भी अपना कैंडिडेट तो उतारना चाहिए, उतार देना चाहिए ना, इंडिया गठबंधन को उतारना चाहिए अपना, उतारना चाहिए। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, योद्धा पता रहता है तब जाकर के मूड बनता है, मूड बनता है। लेकिन मूड बनता है तो ये बताइए कि जाएंगे वोट देने के लिए तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और कहा भी जाता है पहले मतदान फिर उसके बाद जलपान, उसके बाद दुकान पे आ जाइएगा। ठीक है। हाँ जी, तो क्या है सोचेंगे, क्या किस बात का मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोच करके और आप वोट देने जाएंगे? सोचेंगे तो यही कि जिससे विकास हो सके, देश का कौन है जो विकास कर रहा है देश का, और क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, और जो हमारा तो लोकल कैंडिडेट होगा तो हम ये सोचेंगे जो हमारी मार्केट का उद्धार कर सके। एक भाई साहब कह रहे थे कि भाई व्यापारी इस बार हमारे साथ का व्यापारी खड़ा हुआ है तो हम उसके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल हमारे साथ का, हमारे बीच के हैं और हमारे कैट के प्रेसिडेंट है। क्या मायने रखता है? क्या? बिल्कुल लगता है, देखो हर एक व्यापारी को मुद्दा तो रहता ही है। अच्छा। हर एक आदमी चाहता है मेरा आदमी हो तो हम अपनी बात अच्छी तरह पहुंचा सके। वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे 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 ना वोट देने के लिए। क्या नाम है आपका? रविंदर। रविंदर मलिक। अच्छा, तो मलिक साहब क्या रहेगा इस बार, मूड क्या है? व्यू तो अच्छा है, सारा कुछ जो भी है बहुत अच्छा है, व्यू है। अच्छा, जाएंगे वोट देने के लिए तो मतलब ठीक है, जनता का मूड, जनता का मूड रही है ठीक, अच्छा मूड है। कौन सी पार्टी कौन अच्छा काम कर रही है, कुछ काम इन कर रहे हैं इन लोग की नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं मोदी जी। पहले वाले जो सांसद थे उन्होंने काम किया था कि नहीं किया था? किया था उन्होंने, अभी जो आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं। हर्षवर्धन जी के था ना ये तो क्षेत्र रहा है, ये वाले अभी भी वाले आए हैं वो भी अच्छे हैं। तो प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। हाँ, प्रवीण आ रहा हूँ मैं सर, आप ही के पास आ रहा हूँ, दुकान से आप बाहर ही आ गए। आप दुकान से बाहर आ गए, चलिए ये अच्छा लगा कि व्यापारियों के पास समय तो रहता है नहीं, समय नहीं रहता, मेन ये कि आइए तो समय नहीं रहता, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि आप दुकान से भी बाहर आ गए बात करने के लिए, और ये 24 का चुनाव ही है इस वजह से। सही बात है जी, सही बात है, बढ़िया है। तो योद्धा पहुंचे हुए हैं युद्ध मैदान में, बस आप लोगों को हमारी पूरी चॉइस है, पूरी सपोर्ट हमारे को, पूरी सपोर्ट है मोदी 400 पार। अच्छा, ये कह रहे कि हम व्यापारी हैं और हम चाहते हैं मोदी ही आए। अच्छा, हाँ, ये आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? अभी अयोध्या होके आए हैं। सही है, हम तो वैसे अयोध्या होके आए हैं, कल ही आए हैं वहाँ से, वाकई में 400 पार है, इतने खुश हैं अयोध्या दर्शन करके आए हैं। क्यों बोल जी, गलत कहा, सुबह आपने प्रसाद दिया ना? बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। अच्छा, तो ये मुद्दा भी रहेगा क्या, राम मंदिर वगैरह भी मुद्दा रहेगा? ये तो पहले स्थानीय मुद्दा, मैं देख रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में स्थानीय मुद्दा नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल राम मंदिर ये सारे मुद्दे रहेंगे। ये मुद्दे तो सारे रहेंगे जी, बात ये है जो अच्छी
जो काम कर रहा है ना वो तो अच्छे रहेंगे। भी नहीं पता चला है कि आखिर में इंडिया की तरफ से कौन कर रहा है। नहीं नहीं, तो बढ़िया उतरा गठबंधन की तरफ जो भी उतारे हैं वो सारा बढ़िया ही होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अभी डिक्लेयर नहीं हुए, कांग्रेस अभी डिक्लेयर नहीं हुए कैंडिडेट के पास आया हूँ मैं, और आप लोग बात कर रहे हैं ये मेरे लिए खुशी की बात है। देखिए हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें तो आपका धन्यवाद करना चाहिए, और जी न्यूज एक राष्ट्रव्यापी चैनल है तो इसलिए धन्यवाद आपका बनता है। तो आप इलेक्शन के उसमें ना सर्वे कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगता कोई मोदी के आगे कोई है, पॉसिबल ही नहीं है। उधर में तो INDA गठबंधन भी तो है, इंडिया गठबंधन, सभी पार्टियां एक साथ में लड़ रही हैं। ऐसा है ना, ये जो सब है ना स्वार्थ का गठबंधन है, इनका भ्रष्टाचार का गठबंधन है। इन सब ये कोई जमानत पे, कोई बेल पे, कोई अंदर जेल में, इनका सबका है ना, सबका एक ही मोटिव है अपना फायदा देखना। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पार्थ अरोड़ा। अच्छा पार्थ जी, ये बताइए, बड़ा लोगों के बारे में मैं गया तो सब कोई मोदी ऊपर में, इंटरनेशनल नेशनल कुछ स्थानीय मुद्दों वगैरह को भी देखते हैं कि नहीं? सर यंगस्टर्स के नाम पे एक ही नाम है मोदी जी, तो यंगस्टर की तरफ से सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ वोट ही एक ही जगह पे जाना है, जाना है मोदी जी पे और भाजपा पे, तो दूसरा उसके लिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वोट देना है सिर्फ मोदी जी को और भारत सरकार को, भाजपा को। ये चांदनी चौक की जनता है, और चांदनी चौक की जनता का एक मिला जुला, क्योंकि किसी के लिए क्योंकि स्थानीय मुद्दे हैं, कोई कहता है कि हम शीर्षस्थ नेतृत्व को जो ऊपर में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं उनको देख करके जा करके वोट देंगे, किसी के लिए कैंडिडेट बहुत बड़ी बात है कि कैंडिडेट उनके बीच का है, ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि लेकर के जनता का मूड है। जनता अपना जाकर के 2024 के चुनाव में वोट देगी, 2024 के चुनाव में जाकर के वहाँ पर जनता अपने मुहर लगाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में ऊँट किस करवट बैठेगा। कैमरामैन प्रमोद परासर के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।